आज इठे आया कालावाड़ी दबाड़ी में रानिया का मेरा सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरा सभी हम उम्र साथियों, माता हुए बहनों, मंच पे विराजमान जननायक चौधरी देवीलाल जी के संघर्ष को लगातार जीवित रखने वाले हमारे सेनापति माननीय हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, आने वाले समय में दबाड़ी के भावी विधायक माननीय आदित्य देवीलाल जी, कालावाड़ी के भावी विधायक मास्टर गुरतेज जी, साथ ही साथ मंच पे विराजमान इनेलो व बसपा के सभी कार्यकर्ता व नेता साथीगण, सबसे पहले जी यहाँ पहुंचने पर आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा। जिस प्रकार इतने मान व सम्मान के साथ आप सभी ने हमारा स्वागत करा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। साथ ही साथ ही बात ज्यादा लंबी कौन करूं, मैं तो दो तीन बातें रखने खातर आया हूं थारे बीच में। आज पूरे हरियाणा के अंदर एक संदेश है, पूरे हरियाणा के अंदर लोगों के मन में एक बात है कि भैया राज तो केवल और केवल चौटाला साहब को, तो सरकार जो की काम करने वाली होती बा केवल और केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की होती। मैं तो एक युवा होने के नाते आज आए मेरे सभी युवा साथियों ने एक बात बतानी चाहूंगा कि भाईड़ा आप कोई सरकार देखी कोनी जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री होता तो अपनी उम्र कम होती, अपन कभी मौको कौन मिले वो सरकार देखने को। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री आ मैं हर गांव में जानता, चाहे वो कालावाड़ी को, चाहे डबवाड़ी को, चाहे रानिया को, चाहे सिरसा को, चाहे इलाहाबाद को, अपने गांव में भी आए होना थे पता करियो, हर गांव में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बतौर मुख्यमंत्री आता और जब आता तो अपनो हालचाल पूछता, सुख दुख के बारे में बतलानता, घर परिवार के बारे में बतलानता, खेती के बारे में। बिजली वाला साथी ध्यान दे, सारे पंखे और एसी बंद हो गए, बिजली वाला ध्यान दे। जदानता तो सभी साथियों से आगे बतलानता, सुख दुख के बारे में बात करता और फिर यह पूछता भाई बताओ गांव के अंदर के काम कराना है। एक मिसाल कायम हुई हरियाणा के अंदर, लोग कहता कि जी गामा के अंदर काम मुक गया लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कभी गामा के अंदर रुपया मुकन कौन दिया। आ एक मिसाल कायम हुई और थार तो बतौर मुख्यमंत्री में लगे, चौटाला साहब ने बतौर मुख्यमंत्री थार गांव में देखेड़ा है, कौन देखेड़ा देखेड़ा है नहीं। अब मैं मेरे युवा साथियों पूछूंगा जका मैं 35 कम कमाड़ा थे कभी खट्टर ने फिर तो देखे हो के गामा में, चलो नए नए आंगो मुख्यमंत्री बने है नहीं सैनी वो तो बहुत बाजा दौड़ी करे, कभी सैनी आ गया अपनो हालचाल पूछ के गयो। चलो एक कांग्रेस वाला घने ही गुणगान करे नहीं उड्डा का, कभी आपा थे देखियो के उठा ने कभी गामा में फिरता ने, ऐ लोग ईशा है कभी आपनो फायदो कौन करो। मैं एक चीज बताना चाहूं, ओ फर्क हुए जब थारी आपकी सरकार हो और की और की सरकार में, जब थारी आपकी सरकार हुए तो मुख्यमंत्री गांव के अंदर आवे थारू बतलावे और थारे हिसाब जकी चीज थे कहो वह काम हुए, और जब सरकार की और की हुए तो फिर भले ही चंडीगढ़ जुड़ जाओ बटई कठई दिल्ली उड़ जाओ अपना काम को नहीं हुए। तो मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा कि अपनी लड़ाई अपनी सरकार की लड़ाई है, अपनी लड़ाई कभी MLA की लड़ाई कोनी, अपनी लड़ाई कोई MP की कोई मंत्री की लड़ाई कोनी, अपनी सदैव लड़ाई रही है अपनी खुद की सरकार बनाने की। खुदा ना खास था कोई कांग्रेस को राज आ गयो फिर आगे मुख्यमंत्री कठू बनाए वो रोहतक बनाएगो, मैं अपनों पहले ही यहां कटे जी आपा कोई पाकिस्तान उठ गया एड़ा। थारे याद होगो किसाना खातर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक बड़ो सपनो सोचो, आपने सिरसा जिले के अंदर पन्नीआड़ा मोटा गांव में शुगर मिल बनाई, अगर थरे याद होगो बस शुगर मिल कुन उखाड़ के लेके गयो। ओ भूपिंदर सिंह उठाई हो आ कांग्रेस पार्टी आपने इलाके के किसानों का सारों ज्यादा जिकनी नुकसान करो है तब भूपिंदर सिंह उड्डा करे कांग्रेस पार्टी करे, बटाई दूसरी तरफ खुदा ना खास था जे कोई वो BJP आड़ों को राज आ गयो फिर आंगो मुख्यमंत्री कठुआ आवे, ऐ जी कि नहीं कौन बेरो कठुआ आवे आंगो मुख्यमंत्री आंगो आवे टपको और वो भी आवे को छड़ो आदमी जगह के घर ना बहू है ना गऊ है, ऐसा लोग है जगह समाज में कौन रहे ऐ कदी अपनो फायदो कौन कर सके। पर जद बने थरो राज और अब कल थरो राज बने लाग रहे है फिर बताओ मुख्यमंत्री कठुआ आवेगो
आपने सिरसा जिला मुख्यमंत्री आवोगो इन करके मैं मेरे साथियों कहूँ अपनी लड़ाई बहुत बड़ी है और आप ये लड़ाई ने जीतन लाग रहे। आज बड़ी मने हंसी आवे पिछले 4-5 दिन उन्हीं एक मेरो भाईडो है चाबी आड़ो भाईडो है मेरो बिन आदत है जगह जगह फिरन की और वो जगह जगह के बात कह कदी तो कह भाई अर्जुन सेटिंग कर गयो कदी कह दे अभय सिंह जी सेटिंग कर गया कभी कह दे आदित्य जी सेटिंग कर गया कभी कह चौटाला साहब मैंने आशीर्वाद दे दियो। मैं एक चीज बताऊं ए मुंगेरी लाल का भी सपना कभी इतना हसीन को नहीं आया जितने मेरे भाईडा का है। देखेंगे मन में कोई बहम है नहीं तो भैया आसे पासे देख लियो बहम काट लियो माने कोई सेटिंग करने की जरूरत को नहीं। मैं जननायक चौधरी देवीलाल का सिपाही हाँ मैं जननायक चौधरी देवीलाल का सिपाही हाँ मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का सिपाही हाँ मैं संघर्ष करनो जाना मैं लोगों के बीच में जानो जाना और मैं सेवा खातर आया मैं थारी सेवा खातर आया और जैसे सेवा करांगा मैं तो आज एक चीज मानू कि सिरसा के इतिहास में कभी भी शो को नहीं होयो कि तो बड़ी ताकत सिरसा जिले ने मिलने लाग रही है। एलाबाद चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जीतन लाग रहा है डबाली चौधरी आदित्य देवीलाल जी जीतन लाग रहा है कालाड़ी मास्टर गुरु तेज जी जीतन लाग रहा है और थारो आशीर्वाद बने रहे थारो भाईडो भी जीत गया वो अर्थात मैं तो एक ही बात कहूंगा आज की द्वेष की राजनीति है ऐ जका लोग छापा मरावे ऐ जका लोग धमकावे और फिर रात ने सपना लेवे कि अब कल तो गृह मंत्री बनांगा। मैं एक चीज बतानी चाहूं सपना किता लेता रहो थे आसे पासे देख लो विज्ञान तो भली बहम को इलाज कौन कर सके पर थारे बहम को इलाज भी मैं काट नो जावा अर्थात एक बात और कहूंगा पिछले 2 महीना में लगातार रानिया जान लाग रहे हूं लगातार सिरसा में फिरन लाग रहे हूं थारो जितो प्रेम मिले है थारो जितो प्यार मिले है थारो जितो आशीर्वाद मिले है मैं सभी ने एक बात कहनी चाहूंगा तय उम्र में ही प्यार ने ही प्रेम ने कभी भूल कौन सको इतो प्रेम और प्यार थारो मिले है। मैं तो एक ही बात कहनी चाहूंगा अब चुनाव वापस सारा मिल गए संभाल लो है अब अपनी पैरवी रात की पैरवी है दिन रात अपन एक करनी पड़ेगी। गामांग के अंदर लोग बहुत फिरेगा गामांग के अंदर लोग बहुत फिरेगा कोई रिपियो बांटने की कोशिश करेगा कोई दारू बांटने की कोशिश करेगा। मैं तो एक ही चीज कहूंगा आपा पैरवी पूरी कड़ी रखनी है कोई रिपियो जो थारे गांव में बांटे तो रिपियो खोस लियो थारकन रख लियो और कठे ही मेरी जिम्मेवारी लागे कठे ही मेरी जिम्मेवारी लागे मैंने आगे कर लियो लोग मारी शराफत ने मारी कमजोरी समझे। मैं एक चीज बता दूं मेरा नाम अर्जुन है बाण ईशा ईशा चलाऊंगा मेरे कौन पड़ेगा कठुआ वे कठे जान लाग रहे सभी साथियों को प्रेम और प्यार मिले हो। मैं सारा ने धन्यवाद कहना चाहूंगा और आखिर में एक ही अपील करूंगा मेरी बात खत्म करने पहला एक बार है जगह लोग बहम करे नहीं सेटिंग वाला बांगो बहम आपा काटनो है एक सारा साथी मिल गए मेरे सागे नारे जरूर लगाइयो जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद चौधरी आदित्य देवीलाल जिंदाबाद मास्टर गुरतेज जी जिंदाबाद इनेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद। सभी तो प्रेम में प्यार दियो सभी साथियों ने बहुत बहुत धन्यवाद है जी और मैं आगे जसवीर जी ने कहूंगा कि मंच की कार्रवाई आगे बढ़ावे बहुत बहुत धन्यवाद है जी सारों को राम राम जी बहुत बहुत धन्यवाद अजीज अर्जुन चौटाला जी का जिन्होंने बड़े जोश से आप लोगों में जोश भरने का काम किया और डबाली के अंदर विपक्ष के लोग कहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल के पास उम्मीदवार की कमी है अभाव